जिस प्रकार हमने ऐसे गाड़ी स्टार्ट की और ब्रेक सिस्टम में पेंडल मास्टर सिलेंडर में पिस्टन चलाएंगे, जैसे ही हमने किया तो द्रव के वजन के कारण यह रुक गया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज अमन कुमार, आई रेड इन क्लास 8 द मैटोविग्स हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हमने इसके लिए लिया पहले एक गत्ता, उसके ऊपर अखबार, और उसके लिए हमने लिए ए सीडी और ए मोटर और बैटरी और एक सिरिंज और एक पाइप। और इसी ज़्यादा मेरा दोस्त रक्षित अपना इंटरव्यू देते हुए इसके बारे में समझाएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स यू गिव मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माय साइंस प्रोजेक्ट। माय नेम इज रक्षित पाठक, आई रीडिंग क्लास 8 टू डेज आई एम प्रेजेंटिंग हियर माय साइंस प्रोजेक्ट, हिज नेम इज हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को हिंदी में द्रव चालित ब्रेक सिस्टम भी कहा जाता है। यह ऑटो ऑटो और वाहन के पुर्जे और सेवाएं वाहन के पुर्जे और सहायक उपकरण सारांश ब्रेक सिस्टम, जिसमें ब्रेक पैंडल मार्कर सिलेंडर में पिस्टन चलाता है। ब्रेक तदल प्रसार से तो ब्रेक पैड पर लागू जूते पर बहुत अधिक बल लागू करता है। डेस्क या रोटर के खिलाफ पेड़ के जोड़े को निचोड़ने के लिए कैपिलर का उपयोग किया जाता है। यह क्रिया एक सॉफ्ट के घूर्णन रोकते हैं, जैसे कि वाहन की धुरी या इससे इसकी घूर्णन गति को कम करने के लिए गति की ऊर्जा पृष्ठ गर्मी में परिवर्तित हो जाती है, जिसे फैलाया जाना चाहिए। हाइड्रोलिक रूप में एक्सक्यूटेड डिस्क ब्रेक मोटर वाहनों का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रूप है, लेकिन डिस्क ब्रेक का सिद्धांत लगभग किसी घुमावदार सॉफ्ट पर लागू होती है। बल के संरक्षण के लिए हाइड्रोलिक दबाव का उपयोग ब्रेक डिवाइस या ऑटोमोबाइल के लिए सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक ब्रेक सर्किट में भरे मास्टर सिलेंडर पाइप से जुड़े होते हैं। कई वाहन इसका प्रयोग करते हैं, जैसे क्रेन लिफ्ट, हवाई जहाज और खनन वाहन। हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का सर्वप्रथम विकास लॉकहीड ने 1918 में किया था। हाइड्रोलिक ब्रेक का सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि इसमें आप कम बल आरोपित करके अपेक्षाकृत अधिक बल वाला कार्य कर सकते हैं। पास्कल द्वारा भी इसके बारे में कहा गया है कि किसी स्थिर अवस्था में तरल किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में होता है। इसे पास्कल सिद्धांत भी कहते हैं। स्पष्टीकरण के लिए पास्कल का कहना था कि यदि हम एक बंद तरल पर लागू कोई भी बल बर्तन के आकार पर प्रभाव किए बिना पूरे तरल सभी दिशाओं में एक समान संचारित करेंगे तो यह हाइड्रोलिक ब्रेक कहलाएगा। धन्यवाद। हमने यहाँ पे गत्ते का प्रयोग एवं एक मोटर, एक बैटरी और एक सीडी का प्रयोग किया है, जिससे हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक कैसे काम करते हैं। जैसे कि हमने कोई गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी के में पैंडल मार के उसे आगे को बढ़ाया, तो इसी प्रकार से ब्रेक रुकता है। ये हाइड्रोलिक ब्रेक बड़ी बड़ी गाड़ियों जैसे बस, ट्रक में इस्तेमाल हो सकता है। इसका प्रयोग मुख्यतः हम कई वाहनों में करते हैं, जैसे क्रेन लिफ्ट, हवाई जहाज और खनन वाहन में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है।